हेलो, वेलकम बैक। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ पंजाब का फार्म हाउस किस तरह का होता है। सो लेट्स गो। ये है फार्म हाउस। आप इसको बंगलो भी कह सकते हैं। पंजाब के घर इतने बड़े बड़े होते हैं क्योंकि खुली जगह में बनाए होते हैं। तो ये जो घर आप देख रहे हैं, ये मेरी दीदी का घर है, मेरी कज़िन है। उनके घर पे मैं आई हुई हूँ। तो ये देखिए, मैं जैसे घर के जो मेन डोर से एंटर कर चुकी हूँ, ये उनका जो हॉल है, हॉल के अंदर से कुछ इस तरह रूम के जो आप दरवाजे हैं वो देख रहे हैं। सबसे पहले जो रूम है, ये दिखाती हूँ आपको, बेडरूम। ये देखिए, एक एक बेडरूम है, ये फर्स्ट बेडरूम। तो ये देखिए, ये शौक है हमारे जीजा जी के, 12 सिंगा का ये सिंग रखा हुआ है उन्होंने। और ये इसके साथ ये बाथरूम अटैच है इस तरह। ये काफ़ी बड़ा ये वॉशरूम है उनका। रूम भी, रूम तो ठीक ठाक था, रूम ज़्यादा बड़ा नहीं था, ओके था, लेकिन वॉशरूम बड़ा था उनका। और उसी के साथ में ये सिटिंग रूम है, ये सोफा लगा हुआ है इस तरह से। और ये भी अलग से इसको बनाया हुआ है रूम की तरह, लेकिन ये बेडरूम से बड़ा है। ये देखो, कलर्स, वॉलपेपर्स लगे हुए हैं। छत देखिए, छत का कलर देखिए, सब बहुत अच्छे से किया हुआ है दीदी ने। सब घर पूरा मेंटेन करके रखा हुआ है। और इसी के साथ में हम चलते हैं अगले बेडरूम में, दूसरा बेडरूम, जो सेकंड वाला बेडरूम है। ये यहाँ पे थोड़ी लाइट कम है, फिर भी आपको दिख रहा होगा। देखिए, ये वाला सेकंड बेडरूम है, ये भी वेल मेंटेन्ड है काफ़ी। ये रूम पहले वाले रूम से बड़ा था। और अब चलते हैं थर्ड बेडरूम में। ये बेडरूम भी है एक तरह से, यहाँ पे बेड भी लगाया गया है। ये एक्चुअली स्टडी रूम बनाया हुआ है, सिंगल बेड लगाया हुआ है। और ये स्टडी रूम है, कंप्यूटर पड़ा है, बच्चों की बुक्स पड़ी हैं। तो ये देखिए, सब बच्चों का सामान है इस तरह। ये देखिए, ये पीछे स्टडी टेबल भी पड़ा हुआ है, ये चेयर है बच्चों की, ये भी बहुत अच्छा है। अभी चलते हैं अगले रूम पे। एक्चुअली ये रूम ज़्यादा बनाए हुए हैं उन्होंने अपने घर की सेटिंग के हिसाब से, उनको यूज़ किया है। ये फ्रिज हॉल में रखा हुआ है, जो आप देख रहे थे गुड़िया, वो भी उन्होंने अपने हाथ से बनाई हुई है। और ये नेक्स्ट रूम है इनको, इसको उन्होंने स्टोर रूम बनाया हुआ था। और अब चलते हैं किचन में। ये देखिए, किचन बहुत अच्छी किचन बनी हुई है। और ये देखिए, चूल्हे पे मक्की की रोटी बन रही है, जो कि हम साग के साथ खाने वाले हैं। तो ये जो चूल्हा है, और लकड़ी का, लकड़ी जहाँ से जिस तरह आप देख रहे हैं, इसके ऊपर देखिए ये चिमनी है। ये इसका धुआं निकलने के लिए छत के ऊपर से चिमनी निकाली हुई है। जब छत के ऊपर जाऊंगी तो वो भी आपको दिखाऊंगी। ये जो सीढ़ियां हैं वो भी अंदर से, घर के अंदर से इन्होंने बनाई हुई हैं। और ये साथ में बाथरूम था। चलिए अब बाहर निकलते हैं। और पहले आपको यहाँ आंगन का पूरा नज़ारा दिखाती हूँ। ये उन्होंने एक रूम बनाया हुआ है, ओपन रूम, जहाँ पे वो अपने व्हीकल खड़े करते हैं, और जब बारिश वगैरह होती है तो।
तो अब ये इतना बड़ा उनका आंगन है, वो सामने गेट लगा हुआ है, देखो सब गेट के अंदर ही है घर। और ये उन्होंने गार्डन बनाया हुआ है जो कि बहुत ही अच्छे से उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, और बहुत ही कुछ इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें रखी हुई हैं जो आपको दिखाऊंगी। ये उनका बेटा है, हाय कर रहा है आपको। और ये देखिए फ्रूट्स के उन्होंने पेड़ लगाए हुए हैं, ये जैसे अमरूद का पेड़ है, साथ में उसके पपाया का पेड़ लगाया, पपाया के तो उन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं। और उन्होंने सब्जियां भी घर पे लगाई हुई हैं, वैसे गन्ने गन्ना लगाया हुआ है घर में बच्चों के लिए, रसा निकाल के उनको देने के लिए, गन्ने का रस निकाल के देने के लिए। और ये कुछ उन्होंने जो ग्रीनरी के लिए पेड़ लगाए हुए हैं, पौधे लगाए हुए हैं। वो सामने देखिए आप, एक और पपीता का जो पेड़ दिखाई दे रहा है, उसमें वो भरा पड़ा है पपीता से। एक्चुअली वो लोग कच्चे पपीता तोड़ के उनसे परांठे भी बनाते हैं। और ये देखिए गार्डन के अंदर ही उन्होंने ये चेयर्स लगा रखी हैं, ये झूला बना रखा है उन्होंने एकदम देसी टाइप का, जो कार की सीट में रख के उनको बनाया गया है, बच्चे उस पर झूल रहे हैं। दीदी कहते थे कि पूरा उन्होंने बच्चों ने यहाँ पे लॉकडाउन में बहुत इन्जॉय किया है, क्योंकि बाहर तो निकल नहीं सकते थे तो यहाँ पे ही वो लोग इन्जॉय करते थे। ये उन्होंने टी टेबल, टी कॉफ़ी टेबल कह लीजिए, वो बनाए हुए हैं। ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं ना, ये पुराने ज़माने में हमारी दादी नानी लोग जो गेहूं पीसती थी उसकी, वो उसको चक्की बोलते थे, तो उनके जो पीसेज हैं उनको उन्होंने इस तरह से यूज़ किया हुआ है, क्योंकि आजकल तो इलेक्ट्रिक चक्कियां आ चुकी हैं गेहूं पीसने के लिए, तो उन्होंने इस तरह से इनको टी टेबल बना के यूज़ किया हुआ है। तो ये देखिए कितना अच्छा उन्होंने सब हर चीज़ उन्होंने अच्छे से मेंटेन करके रखी हुई है, अच्छे से सब दिख रहा है। जैसे कि उन्होंने सब्जियां लगा रखी हैं जो ऑर्गेनिक हैं, जो घर में यूज़ करते हैं, जैसे कि गार्लिक है, और ये ऑनियन लगा रखा है, टमाटर लगा रखे हैं, ये फ्लावर्स के उन्होंने पौधे लगा रखे हैं, देखो कितने अच्छे से सजाए हुए हैं। और ये उनका पुराना फ्रिज है, वो भी ये गार्डन में रखा हुआ है, उसको देखो कितने अच्छे से उन्होंने कलर किया हुआ है। और इसमें बच्चों के खिलौने रखे हुए हैं, इनको बच्चे यूज़ करते थे लॉकडाउन के टाइम पे। ये आम का पेड़ भी लगाया हुआ है उन्होंने, और बहुत ही अच्छे तरीके से सब रखा हुआ है। ये देखिए चिड़िया का घोंसला भी उन्होंने रखा हुआ है, ये एक बर्तन लगाया हुआ है जिसमें चिड़िया को दाना डालते हैं। और नीचे ही देखिए चेयर्स वगैरह रखी हुई हैं बैठने के लिए, हमने भी झूले पे बैठ के थोड़ा टाइम एंजॉय किया, मेरे साथ आरती हैं। कैसे लग रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। कैसे लगे फार्म ये सब? जो बंगला है ये देखिए टमाटर का पौधा लगा हुआ है, काफ़ी सारे इसको टमाटर लगे हुए हैं, फिलहाल तो कच्चे थे। तो ये देखिए ये एक टेबल बना रखा है इन्होंने, स्टैंडिंग टेबल टी कॉफ़ी के लिए, और इसके ऊपर एक गमला लगाया हुआ है। और ये इतना हमने आपको दिखा दिया है, अब चलते हैं ये आंगन की ओर। ये देखिए कितना बड़ा उनका आंगन है, ये देखिए दीदी पपीता तोड़ रहे हैं
तो मैंने बोला था हमको दे दो पैक करके, तो हम लेके जा रहे थे इसलिए दीदी ने तोड़ के दिए हैं हमको। और ये देखिए दूर से आपको पूरा राउंड दिखाती हूँ घर, बहुत बड़ा उन्होंने ये रखा हुआ है। ये खेतों में यूज़ होने वाली मशीन रखी हुई है, ये आप ऑरेंज कलर की देख रहे हैं। ये देखिए अभी छत के ऊपर, मैं ऊपर से आपको दिखा रही हूँ मैं, ये जो गार्डन मैंने आपको दिखाया है वो है। और ये ऊपर से कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है घर के, इधर उधर पूरा ये खेत हैं उनके, फार्म है, इसलिए मैंने बोला था आपको इसको फार्म हाउस भी बोला जा सकता है और इसको बंगलो भी कह सकते हैं। और ये देखिए काफ़ी बड़ी इनकी खुली ऊपर छत सी छत बनी हुई थी, क्योंकि नीचे रूम काफ़ी बने हुए हैं इसलिए छत भी बड़ी है। और देखिए ऊपर से कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है। सो ब्यूटीफुल। ये देखिए उनका आंगन जो छत से इस तरह का दिखता है। ये जो बड़ा पेड़ आप देख रहे हैं इन्होंने छाँव के लिए लगाया हुआ है, वैसे वो आम का पेड़ है। और इनके साथ में ही ये कुछ घर बने हुए हैं। ये देखिए कितना बड़ा आंगन है छत का भी, ऊपर ये पूरी छत है, हाँ जितना हमने नीचे घर देखा उसकी छत है ये। और इनके घर के पीछे भी एक घर है किसी का। ये देखिए उन्होंने ऊपर सर्दियों के टाइम पे ऊपर जैसे चाय कॉफ़ी या खाना वगैरह खाना होता है धूप पे, धूप में बैठ के सेकते हैं, इसलिए वो टेबल रखा हुआ है। और ये देखिए जो मैं आपको दिखाना चाहती थी, नीचे जो चूल्हा बला हुआ चल रहा था, जो रोटी बन रही थी उस पर, यहाँ उसका इसमें से धुआं निकल के ऊपर आता है, ये चिमनी है उसकी। और अब नीचे चलते हैं, ये उन्होंने अपना पूजा रूम बनाया हुआ है इस तरह से। ये छत के ऊपर जाने के लिए ये वाला रास्ता था। इस तरह से ये घर की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।